अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर हैदराबाद का मारूफ और मशहूर SKM 91 न्यूज चैनल अपनी दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। उत्तर प्रदेश चार जर्सी टोल प्लाजा के करीब असदुद्दीन अवैसी पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ चार मीनार पंच मोहल्ला पर वाक़ मक्का टिफिन सेंटर के ओनर अल्ताफ ने हमले के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए सख्त मजम्मत की और इंसाफ की मांग करते हुए एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर रजाकाराना तौर पर अपना टिफिन सेंटर बंद कर दिया और उत्तर प्रदेश हुकूमत से अदबन गुजारिश की कि वो हमले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जंगी खतूत पर हमलावर को ढूंढकर गिरफ्तार करके सख्त कानूनी सजा दे। आइए देखते हैं SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद की ये खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुसरो पंचमोहल्ला चार मीनार कमान के पास से मक्का टिफिन सेंटर की वजह के आज जो असद साहब के साथ जो हमला हुआ है टूल गेट में यूपी में उसकी मजम्मत करते हुए हम आज हमारी दुकान बंद रख रहे हैं कि इसका हमको जस्टिस होना है कि आज ये हुआ कल क्या होगा हम बोल नहीं सकते। इसकी वजह से कि हम अपनी दुकान बंद रख रहे हैं, कोशिश यही करेंगे कि सब जने यही करें कि यूपी कमिश्नर साहब से यही गुजारिश है कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कि ये हमारे जो MP साहब है जो कि हमारे MIM के लीडर सदर साहब है उनके लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। इंशाल्लाह इसका जस्टिस जल्द से जल्द हो जाए यही उम्मीद करते हैं हम। और जो दुकानें हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमको इसमें किसी का रोक टोक नहीं है, हम अपनी मर्जी से दुकान बंद कर रहे हैं। सदर के हमारे लिए सदर साहब के लिए बहुत मोहब्बत है उसकी वजह से हम बंक कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल भी हम बंक करने की कोशिश करेंगे कि जब तक ये केस ख़त्म ना हो जाता, जब तक इसका जस्टिस ना मिल जाता। अस्सलाम वालेकुम।